बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय यासमिन हास में खुश आमदेद। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आपको पाकिस्तान के अंदर सोलर पैनल के आज की डेट के तादाद रेट्स के बारे में बताया जाएगा, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि गुज़िश्ता दिनों में जो सोलर पैनल की कीमतें तेज़ी के साथ कम हुई हैं और कीमत 55-56 रुपये से लेकर अभी 34-35 रुपए पर वाट पर आ गई है, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ी मेहरबानी से लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियो को नोटिफिकेशन आप दोस्तों को बर वक्त मिल सके और आप इन मालूमात से फायदा उठाते रहे। दोस्तों, जिस तरह की आपको मालूम है कि गुज़िश्ता अगर 4 से 6 माह में सोलर पैनल के रेटों को देखें आप, तो बगौर जायजा लेने से आपको सोलर पैनल की कीमतों के अंदर बहुत ज्यादा कमी आती हुई नजर आएगी। और गुज़िश्ता 1-2 साल के मुकाबले में देखें तो आज की तारीख में अगर ये कहा जाए कि सोलर पैनल अपनी कम तरीन सतह पर पाकिस्तान के अंदर खड़े हैं तो ये बिल्कुल भी गलत ना होगा। आज की जो सोलर पैनल कीमतें हैं वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम तरीन कीमतें हैं। इसके पीछे जान लेते हैं कि वजूहत क्या हैं। सबसे जो पहली मेन वजह ये है कि हुकूमत जो है वो बेसिकली सोलर पैनल को और सोलराइजेशन को सपोर्ट कर रही है, और गवर्नमेंट ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी एनर्जी जो भी उनकी ज़रूरत होती है घर की, फैक्ट्रियों की, मिलों की, कारखानों की, वो खुद पूरी करें ताकि जो बिजली की बढ़ती हुई कीमतें हैं इनसे बचा जा सके। और इस वजह से गवर्नमेंट ने इनके ऊपर जो टैक्स था वो ख़त्म कर दिया है और टैक्स बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। इस बजट के अंदर ना सिर्फ हुकूमत ने टैक्स को ख़त्म किया है बल्कि मज़ीद भी ये रिलीफ दिया है कि आने वाले दिनों में अगर कोई शख्स यहाँ पर फैक्ट्री कारखाना लगाए या सोलर पैनल से मुतलका कोई भी चीज़ मंगवाए, मिसाल के तौर पर जो कापर वायर है वो अगर मंगवाएगा, या सोलर पैनल के लिए जो स्टैंड इस्तेमाल होते हैं वो मंगवाएगा, सोलर पैनल्स मंगवाएगा, सोलर पैनल्स के अंदर जो सेल्स इस्तेमाल होते हैं वो मंगवाएगा, या दीगर इस तरह की जो चीज़ें हैं जो भी सोलर पैनल से मुतलक होंगी, मिसाल के तौर पर बैटरीज हैं या दीगर चीज़ें हैं, अगर वो किसी तरह से भी वो इम्पोर्ट करवाता है तो उसके ऊपर मजीद भी उसको डिस्काउंट्स दिए जाएंगे। और जो दूसरे नंबर पर जो बड़ी वजह है वो मौसम है, क्योंकि अभी गर्मियों के स्टार्ट में बहुत ज़्यादा कोशिश की गई थी कि सोलर पैनल की कीमतों को बढ़ा चढ़ा कर रखा जाए और लोगों से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल किया जाए, लेकिन जो माफिया है वो बहुत हद तक कामयाब नहीं हो सकी। और इस वक्त मौसम क्योंकि चेंज हो रहा है तो लोगों ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि ठीक है हम नेक्स्ट ईयर देखेंगे, फिलहाल तो अभी मौसम की शिद्दत ख़त्म हो चुकी है और इतना ज़्यादा हमारा इस वक्त फिलहाल बिल नहीं आ रहा, और इस वक्त जो कीमतें ऊपर जा चुकी हैं तो लोगों ने बायकॉट किया और इस बायकॉट की वजह से भी जो कीमतें थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ नहीं पाई और मज़ीद कीमतों में उनको दोबारा कमी करना पड़ गई, क्योंकि अब मौसम तब्दील हो रहा है तो इस वजह से उन्हें पता है कि अगर हमारा माल इस वक्त ना सेल हुआ तो फिर हमें बहुत ज़्यादा अपने जो वेयर हाउसेज हैं, गोदाम हैं जहाँ पर हमने स्टॉक हुआ उनके किराए भी हमको भरने पड़ेंगे, और इसके साथ साथ एक साल जो हमारा सरमाया है वो भी ब्लॉक होकर रहेगा। इस वजह से भी इन्होंने तेजी के साथ कीमतों को कम किया। तीसरी अहम वजह जो कि सोलर पैनल में कीमतों की कमी का बाइस बनी है वो हुकूमत पंजाब की जो स्कीम है, जितने भी लोग हैं उनको सोलर पैनल मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोगों को मुख्तलिफ रेट्स पर दिया जाएंगे, और खासकर जो के 200 यूनिट से कम बिजली खर्च करने वाले लोग हैं उनको कुरानदाजी के जरिए फ्री सोलर पैनल्स भी दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो 200 यूनिट से लेकर 400 यूनिट या 500 यूनिट तक खर्च करने वाले सार्फीन हैं बिजली को सोलर पैनल आसान इकसाद पर दिए जाएंगे। जो 500 यूनिट से ऊपर बिजली खर्च करने वाले सार्फीन हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट ने स्कीम रखी है, उनको भी 5 साल की आसान इकसाद पर सोलर पैनल दिए जाएंगे। ये जो तमाम वजूहत हैं इनकी वजह से तेज़ी के साथ सोलर पैनल की कीमतों में कमी आई। अभी ज़्यादातर लोगों का रुझान इस तरफ हो जाएगा कि हम 8800 पर अप्लाई करें और गवर्नमेंट से फ्री सोलर पैनल ले सकें, तो इसकी वजह से भी सोलर पैनल के जो खरीदार हैं उनकी मार्केट के अंदर कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से भी सोलर पैनल की कीमतें जो हैं इंपोर्टर्स हैं उन्होंने इस स्कीम के अनाउंस होने से पहले ही नीचे गिरा दी थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सोलर पैनल्स निकल सकें। इसके अलावा एक बड़ी जो वजह है वो ये है कि जिस तरह लॉन्जी ने अभी अनाउंस किया हुआ है कि वो सितंबर और अक्टूबर के अंदर लॉन्जी हीमो 9 का जो सोलर पैनल है वो मार्केट के अंदर लॉन्च करेंगे, तो इस सोलर पैनल के आते ही जो लॉन्जी हीमो 5 है, हीमो 6 है, यानी जो पी टाइप के जो मुख्तलिफ कंपनीज की टेक्नोलॉजी है और जो एन टाइप की टेक्नोलॉजी है ये उनसे भी ज़्यादा बेहतर होगा एफिशेंसी के लिहाज से और कारकर्दगी के लिहाज से, और यकीनी तौर पर जो इसकी कीमत है वो बहुत ज़्यादा वो हाई फाई नहीं रखेंगे जिस तरह के एक आम वालों ने अपनी कीमत रखी हुई है बहुत ज़्यादा, इस तरह उनके जो पैनल हैं वो इतने हाई नहीं होंगे। इनकी जो एन टाइप के सोलर पैनल हैं उनके मुकाबले में जो लॉन्जी हीमो 9 आएगा इसकी कीमत 4 से 5 रुपए पर वाट इसकी कीमत ज्यादा होगी, तो इस वजह से भी जो एन टाइप के सोलर पैनल हैं उसकी कीमतों के अंदर तेजी के साथ कमी आ रही है, और आने वाले दिनों में भी
مزید توقع ہے کہ مزید بھی سولر پینل کی جو قیمتیں ہیں وہ نیچے آئیں گی، اور جو این ٹائپ کے سولر پینل ہیں اور پی ٹائپ کے سولر پینل ہیں ان کے درمیان آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ایک ڈیڑھ روپے یا دو روپے کا ٹوٹل پر واٹ فرق رہ جائے گا۔ ابھی اگر بات کریں لانجی ہیمو فائیو کی، تو اس کا جو پر واٹ ریٹ ہے سنگل گلاس ڈاکومینٹڈ اے گریڈ سولر پینل کا پر واٹ ریٹ ہے 36 روپے، جبکہ جو لانجی ہیمو فائیو کا بائیفیشیل ڈاکومینٹڈ اے گریڈ سولر پینل ہے اس کا پر واٹ ریٹ ہے 36 روپے، اور اسی طرح لانجی ہیمو سکس کا بھی پر واٹ ریٹ ہے 36 روپے، اور لانجی ہیمو سیون کا جو کہ این ٹائپ سولر پینل ہے اس کا پر واٹ ریٹ ہے آج کی ڈیٹ کا 37 روپے۔ اور کینیڈین کی بات کریں تو کینیڈین ٹاپ کون کا جو پر واٹ ریٹ ہے آج کی ڈیٹ کا ہے وہ 36 روپے 50 پیسے، اور کینیڈین ٹاپ کون میں جو بائیفیشیل ڈاکومینٹڈ اے گریڈ سولر پینل ہے اس کا پر واٹ ریٹ ہے آج کی ڈیٹ کا 37 روپے پر واٹ، اور 650 واٹ کا جو کینیڈین کا سولر پینل ہے اس کا پر واٹ ریٹ ہے آج کی ڈیٹ کا 34 روپے، اور اسی طرح جو کینیڈین کے اندر جو پی ٹائپ کے سولر پینل ہیں جو کہ 545 واٹ اور 550 واٹ کے سولر پینل ہیں ان کا پر واٹ ریٹ ہے آج کی ڈیٹ کا 34 روپے، جبکہ جنکو میں جو این ٹائپ سولر پینل ہے اس کا پر واٹ ریٹ ہے آج کی ڈیٹ کا 36 روپے 50 پیسے، اور جنکو کے اندر جو پی ٹائپ کے سولر پینل ہیں جو کہ 555 اور 560 واٹ اور 545 واٹ کے سولر پینل ہیں ان کا پر واٹ ریٹ ہے آج کی ڈیٹ کا 34 روپے، اور جے اے کی بات کریں تو جے اے کا جو این ٹائپ کا سولر پینل ہے اس کا پر واٹ ریٹ ہے آج کی ڈیٹ کا 36 روپے، اور جے اے میں جو پی ٹائپ کے سولر پینل ہیں جو کہ 555 واٹ 565 واٹ اور 550 واٹ کے سائز میں دستیاب ہیں ان کا پر واٹ ریٹ ہے آج کی ڈیٹ کا 34 روپے، اور ٹرینا کا جو 550 واٹ کا سنگل گلاس ڈاکومینٹڈ اے گریڈ سولر پینل ہے اس کا پر واٹ ریٹ ہے آج کی ڈیٹ کا 36 روپے، میسن کا 545 واٹ کا جو سنگل گلاس ڈاکومینٹڈ اے گریڈ سولر پینل ہے اس کا پر واٹ ریٹ ہے 35 روپے، اور زیڈ اینڈ شائن کا جو سنگل گلاس ڈاکومینٹڈ اے گریڈ سولر پینل ہے اس کا پر واٹ ریٹ ہے آج کی ڈیٹ کا 35 روپے۔ دوستو یہ تھی اب تک کی سولر پینل کے تازہ ترین ریٹ سے متعلق تازہ ترین اپڈیٹس، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے کرم اسے لائک کر دیجیے، اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں، انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔